जोश उड़ा देने वाली गर्मी के मौसम में बारिश की बूंदें किसी नेमत से कम नहीं। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। उधर पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदे बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। तपती धूप से परेशान शहरियों ने मौसम की तब्दीली से सुख का सांस लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 14.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गयी। जिना टर्मिनल पर 9.4 और ओल्ड एयरपोर्ट पर 3.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके साथ साथ जिना स्क्वायर, मलीर, खोखरापार और मेमनगोट में भी बारिश हुई। सिंध के दीगर इलाकों में लाड़काना, जैकबाबाद और दादू, जबकि बलूचिस्तान में सिब्बी, ढाडर और गर्दोनवा में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसमियात के माहिरीन ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। पंजाब में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों समेत कसूर और गुजरात में भी सुबह सवेरे बारिश हुई। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तियाबी पर आवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना आवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।